अस्सलाम वालेकुम, कैसे तमाम दोस्त। तो दोस्तों, आज हम जो है और वैलेट की केवाईसी करेंगे। आपने वो कैक्स को ओपन कर लेना है, उसके बाद अपने वैलेट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे वैलेट पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आपने जो है नीचे डिस्कवर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसके बाद आ जाना है यहाँ पर क्रिप्टोपीडिया के सेक्शन में। क्रिप्टोपीडिया पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे तो ओवर वैलेट आ जाएगा, ओवर प्रोटोकॉल। इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसको आप जो है, आप यहाँ पर आपने कनेक्ट वैलेट करना है। आप अपना कनेक्ट वैलेट करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि इम्पोर्ट वैलेट या क्रिएट अ न्यू वैलेट। आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से कोई भी वैलेट। इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आप अपना सीड फ्रेज या पास जो की होती है वो लगा के, या कुछ भी अगर पहले से वैलेट है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट न्यू वैलेट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप पहले ही अपने वैलेट ओपन किया हुआ है, जिस तरह मैंने किया हुआ है, तो आप जो है डायरेक्ट कनेक्ट वैलेट कर लेंगे। ये देखिए, वैलेट जो है कनेक्ट हो गया। अब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, कन्फर्म पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास जो है ये अनसक्सेसफुल आएगा। आपने पहले ईमेल जो है ना वो एंटर करनी है। जैसे आप पहले ईमेल एंटर करेंगे तो आपका जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर कन्फर्म करते हैं हम, तो ये हमारे पास ये देखना सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर ईमेल एंटर नहीं कर रहे हैं। ये देखें, ये मिस्टेक कर रहे हैं। काफ़ी बंदों का जो इशू आ रहा है कि हमारा सक्सेसफुल नहीं आ रहा है, तो उनका ये इशू आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है एक ये केवाईसी, ये थोड़ी सी आईक्यू चेक करते हैं। तो आपने ऊपर वाले देख रहे हैं कि सेक्शन 1, 2, 3 में कौन कौन से हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। पहले मैं आपको रोंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह से। ये देखें, अब हमारा ऊपर और है, नीचे हम और अगर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप करते क्या है कि इसको आप वैसे ओके कर देते हैं। अगर वैसे ओके करते हैं तो भी ये फेल आ जाता है। अगर आप इन पर गलत क्लिक करते हैं तो भी ये फेल आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने रॉन्ग एंटर किया, ये देखिए फेल आ गया। अब हम जो है इस पर राइट एंटर करेंगे तो ये जो है हमारा पास हो जाएगा। ये देखिए, जो जो 1, 2, 3 में है वो यह है, तो हमारा ये ओके हो गया। ये अनसक्सेसफुल इसलिए आ रहा है, हमने जो है ईमेल एंटर नहीं किया। आपने वही ईमेल एंटर करना है जो कि अपना ओवर वैलेट में आपका ईमेल लगा हुआ है। उसके लिए आपने जो है यहाँ पर क्लिक करना है ओवर वैलेट ईमेल। ईमेल में आके आपने चेक करना वहाँ ईमेल आपका कौन सा लगा है, वो इधर एंटर करेंगे। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ से जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देखिए, कन्फर्मेशन सक्सेसफुल। तो ये ओवर वैलेट की केवाईसी है। तो इस तरह आपने जो है अपना कनेक्ट कर लेना। अगर आपका ओकेएक्स का अकाउंट नहीं है तो मैं आपको बताऊँगा भी ओकेएक्स का अकाउंट जो है आप किस तरह से बना सकते हैं। तो आपके पास इंग्लिश कार्ड जो है वो सबसे पहले स्टार्ट में होना मस्ट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे आएंगे, ओकेएक्स लिखेंगे। यहाँ पर आके आप इसको इंस्टॉल करके ऊपर के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर साइन अप आएगा। आपने यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने ईमेल एंटर करना है। उसके बाद आपने फिर साइन अप पे क्लिक करना है। फिर आपके पास इस तरह से स्लाइड टू कंप्लीट द पजल ये आ जाएगा। ये आपने यहाँ ये खाली लिखा हुआ है, ये खाली खाना है, इसको आपने फिल करना है, ओकेएक्स कंप्लीट करना है। ये तीर को आप खींच जाएंगे राइट तरफ। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है ईमेल मांगेगा, ईमेल एंटर करनी है। यहाँ पर ईमेल में कोड आएगा, आपने वो एंटर करना है। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर मांगेगा, आपने मोबाइल नंबर लिखना है अपना, जो आपके पास अपने मोबाइल में सिम है, जिस पर SMS आना है वो SMS आएगा। यहाँ आपने SMS एंटर करना है, कोड जो आएगा। उसके बाद आपने जो है एंटर करके कोड आपने यहाँ पर जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, ये चेक लगाना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे नेक्स्ट करके यहाँ पर आपने कोड लगाना है। कोड किस तरह से लगाना है वो ये देख लें कि आपने यहाँ पर इस तरह से करके कोड लगाना है, यानी कि ये एक लेटर बड़ा है इंग्लिश का, एक छोटा और गिनती और साथ में है स्पेशल करेक्टर। ये सारी उन्होंने समझाया भी हुआ है जिस तरह का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप इनेबल भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्किप करते हैं हम, और यहाँ पर ये कह रहे हैं वेरीफाई ना करें, वेरीफाई में KYC करनी है आपने। KYC में आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, कंट्री नीचे आपने नेशनल आईडी कार्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर इनेबल कंटिन्यू कर देना है।
कंटिन्यू करने के बाद वाइल यूजर के सैप कर देना है आपने, और उसके बाद आपने जहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन करनी है, आईडी कार्ड देख लें आपने किस तरह से लगा रखना है, ये देख लेना ने बताया हुआ है कि एक तो क्रॉप ना हो, क्रीव ना किया हो, गुड एग्जांपल ऊपर दी हुई है, आपने ऐसे सीधा करके मेल पूरे पूरे आईडी कार्ड की पिक्चर दे लेनी है फ्रंट और बैक की, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद आपके पास लास्ट में एक सेल्फी लेगा, आपने सेल्फी देनी है, तो ये सादा सी बात है आपकी जो KYC हो जानी है, ये कंप्लीट हो जाएगा OKX का। यही जो KYC है, यही ओवरवर्ल्ड की KYC है, OKX को ये आपको अटैचमेंट करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।